हाय फ्रेंड्स, मैं सैफ रहमान और आप लोग देख रहे हैं आइए जानते हैं चैनल। आइए जानते हैं चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने मुझे जिस तरह से सपोर्ट किया है, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सहायता किया है, जिस तरह से आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है, इन सभी बातों के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आज मैं आप लोगों को जो ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में शायद आप लोग पहले से ही जानते हैं। मैंने कल सुबह को YouTube में वीडियो देखा, आज रात को भी मैंने एक वीडियो देखा YouTube में, तो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज कुछ बताने वाला हूँ कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आप लोगों के फ़ीस कितने हैं। आपके जो एग्ज़ाम फ़ीस है, वो एग्ज़ाम फ़ीस 250 से बढ़कर कितने हो गए हैं अभी तक, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर ये न्यूज़ का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके बाद नीचे ये एग्जामिनेशन रिजल्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है थोड़ा नीचे, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्रैल 2018 एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आता है। आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर योर 11 डिजिट रेफरेंस नंबर और 11/12 डिजिट एनरोलमेंट नंबर। कल मैंने सुबह यूट्यूब में एक वीडियो देखा, वहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे आपको आपके एनरोलमेंट नंबर डालना है, डालने के बाद आपको आपके एग्ज़ाम फीस भरना है। और एग्ज़ाम फीस के डिटेल्स कुछ इस तरह से बताया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे रेस 250 पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 250 रुपये भरने हैं। एडिशनल फी ऑफ रेस 120 पर सब्जेक्ट, एडिशनल आपको 120 पर सब्जेक्ट में भरना है। और वहाँ पे नीचे देखिए 21 नवंबर 2017 टू 20 दिसंबर 2017 विदाउट लेट फीस, अगर आप 21 नवंबर 2017 से 20 दिसंबर 2017 के अंदर आप आपके एग्जामिनेशन फीस भरते हैं तो आपको कोई विलम्ब शुल्क नहीं भरना होगा। 21 दिसंबर 2017 से 1 जनवरी 2018 के अंदर अगर आप आपके एग्ज़ाम फीस भरते हैं तो आपको लेट फीस के हिसाब से विलम्ब शुल्क 100 रुपीज़ आपको भरना है। और अगर आप 2 जनवरी 2018 से 10 जनवरी 2018 के अंदर आप आपके फ़ीस भरते हैं तो आपको 1500 रुपये फ़ीस भरना होगा, इस तरह से वहाँ पे बताया गया था। तो मैं अभी आप लोगों को ये बताता हूँ, ये जो यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं न्यूज़ में, जो जो अप्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने DLED के कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है। अभी तक आप लोगों को बताया नहीं गया कि आपके एग्ज़ाम फीस आपको भरने हैं, तो अचानक आके अगर आप लोगों को यहाँ पे बोलेगा कि 1 जनवरी से आपको 10 जनवरी के अंदर आपको आपके एग्ज़ाम फीस भरना है 1500 रुपये, आप कैसे मान लेते हैं। तो इस तरह की भ्रम में आप मत पड़िए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह की भ्रम से दूर रहिए। अगर न्यूज़ के ऑफिशियल वेबसाइट में कोई जानकारी आ जाता है तो आपको पहले ही जानकारी दे दी जाएगी और उसके बाद आपके विलम्ब शुल्क की बात आएगी। बिना जानकारी के आपको अचानक विलम्ब शुल्क की बात नहीं आ सकते, तो आप इस तरह की गलतियां मत करें। ये बात मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। तो अगर अपडेट आ जाता है आपके एग्ज़ाम फीस भरने का तो मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। तो अगर आप मेरे जो आइए जानते हैं चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वहाँ पे क्लिक करके आप आइए जानते हैं चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे अप्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यार्थी हैं, आप उन लोगों से आपके मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई पूछना है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।